नमस्कार दोस्त, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। किडनी फेल्योर एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसमें मरीज को बार बार डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है और अंत में मरीज के पास किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता है। दोस्तों, आज हम क्रॉनिक किडनी डिजीज से परेशान किरण वैद्य जी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो काफी समय से इस बीमारी से परेशान थी और कई जगह बार बार डायलिसिस कराने के बाद भी आराम न मिलने पर उनकी बेटी व दामाद ने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से संपर्क किया और सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया, जिसके बाद आज किरण जी अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रही हैं। आइए मिलते हैं किरण वैद्य जी से और जानते हैं उनसे मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की क्रॉनिक किडनी डिजीज पर जीत की एक और सक्सेस स्टोरी। नमस्कार, मेरा नाम किरण वैद्य है और मैं 348 तिलकनगर इंदौर में रहती हूँ। मैं किडनी पेशेंट हूँ और लास्ट ईयर राखी के समय मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। फिर एक दिन हमने टेस्ट करवाया तो उसमें मुझे क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आया। किसी ने जमाई जी को बताया मॉडर्न होम्योपैथी डॉक्टर अर्पित चोपड़ा के बारे में कि आप उनसे दवाई लेकर देखो। उन्होंने दवाई दी तो उससे मुझे थोड़ा सा पेट दुखना कम हो गया और 4-5 दिन बाद मुझे थोड़ा थोड़ा यूरिन होने लगा। तो उसमें मुझे कोई आशा नज़र नहीं आ रही थी कि नहीं ये तो ऐसे ही है। फिर मैंने कहा नहीं, चलो लेकर देखते हैं, अपने को फर्क पड़ेगा तो ठीक है, नहीं पड़ेगा तो कोई बात नहीं। तो मैंने लिया उसको तो उससे मुझे तो 4-5 दिन में थोड़ा फ़ायदा लगने लग गया और फ़ायदा लगने के बाद मुझे यूरिन भी पास होने लग गई। 8 दिन के अंदर मुझे बिल्कुल स्वस्थ कर दिया उन्होंने, बिल्कुल दवाई लग गई और मैं अब आज फिट और फाइन हूँ। और मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे आज स्वस्थ कर दिया। हमेशा मॉडर्न होम्योपैथी में इलाज करवाना चाहिए और सस्ती दवाई है, इतनी कोई महंगी नहीं है। पैसा तो कहीं भी खर्च होता है लेकिन इससे अपने को संतुष्टि ज़्यादा मिलती है। डॉक्टर साहब ऐसे ही अच्छे बने रहें और सबकी सेवा करते रहें और भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे। मतलब डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे हैं, उनके में बहुत डॉक्टर साहब का धन्यवाद बहुत बहुत कि हमें उन्होंने नई जिंदगी दी, इसके लिए बहुत शुक्रिया उनका। आइए हम मिलते हैं सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से और जानते हैं उनसे मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की क्रॉनिक किडनी डिजीज पर असर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, MD होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों, आज आपने कहानी सुनी मिसेस किरण वैद्य जी की, जो कि क्रोनिक किडनी डिसीज CKD मतलब किडनी फेलियर के रोग से पीड़ित थी और इस हद तक पीड़ित थी कि जब उन्हें तकलीफ जब चालू हुई किडनी फेलियर के मामले में, जब उन्हें पता चला तो उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइजेशन किया गया और इमीडिएटली जो उन्हें जुगलर कैन्यूला से डायलिसिस का सामना करना पड़ा, तब उनकी बॉडी से 16 लीटर पानी निकाला गया था। इसका मतलब है दोस्तों कि वो पेशेंट काफ़ी तकलीफ में थी और इसी कहानी को उन्होंने अपने शब्दों में बयां किया कि उनकी किडनी फेलियर की शुरुआत इसी तरीके के हॉस्पिटलाइजेशन से हुई जिसमें उन्होंने इमरजेंसी में डायलिसिस भी कराया और फिर उन्हें जब ये कह दिया गया कि अब आपका हाथ का जो फिस्टुला है वो परमानेंट रहेगा और इसके बाद जो आने वाला समय आपको हमेशा जीवन भर डायलिसिस कराने की बाध्यता रहेगी और कहीं ना कहीं आपको इस बात को सत्य को स्वीकार करने के लिए निर्भर भी होना पड़ेगा कि हमें डायलिसिस के साथ ही जीवन जीना है। दोस्तों, इस विषम परिस्थिति में जब सभी तरीके से उनके होप पूरी तरीके से खत्म हो गए और सभी जगह से एक ही चीज बोल दिया गया कि आपको केवल डायलिसिस के भरोसे ही पूरा जीवन निकालना होगा, तब उन्हें उनकी लड़की मीनल जी ने मॉडर्न होम्योपैथी के बारे में बताया और मॉडर्न होम्योपैथी की जो संरचना जिसके माध्यम से हम लोग काफी सारे किडनी फेलियर के पेशेंट्स को बिना डायलिसिस बिना किसी ट्रांसप्लांट के आज भी स्वस्थ जीवन दे पा रहे हैं। और ये दोस्तों चमत्कार ही था मॉडर्न होम्योपैथी का, जो शुरू के 8 या 10 दिन का ट्रीटमेंट होता है उसमें उन्हें वो फायदा मिलने लगा जिसके लिए वो मॉडर्न होम्योपैथी से उम्मीद रख रही थी और कहीं ना कहीं उस इमरजेंसी सिचुएशन में उनके लिए जरूरी भी था। और उनका जो फ्लूड रिटेंशन का जो प्रॉब्लम आ रहा था वो पूरी तरीके से बिना किसी डायलिसिस के भी मॉडर्न होम्योपैथी की दवाइयों से पूरी तरीके से समाप्त हुआ और जो क्रिएटिनिन 9, 9.5, 10 के लेवल तक पहुंच गया था पूरी तरीके से कंट्रोल होकर 4, 4.5 के आसपास के लेवल में भी मेंटेन रहने लगा। और इसी मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार के माध्यम से दोस्तों पिछले 1 वर्ष से मिसेस किरण वैद्य जी बिना किसी डायलिसिस के बिना किसी ट्रांसप्लांट के डर के आज भी स्वस्थ जीवन जी पा रही है। और आज उन्होंने अपने शब्दों में बयां भी किया कि मॉडर्न होम्योपैथी एक ऐसा चमत्कारिक विज्ञान जिसके माध्यम से उन्होंने
ना केवल डायलिसिस बचाया, ना केवल ट्रांसप्लांट बचाया, बल्कि अपनी क्षमता को वापस एक्टिवेट करके, अपनी क्षमता को वापस पाकर समाज के सामने आज भी अपने आप को अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। वो आज भी अपना काम पूरी तरीके से कर लेती हैं और पूरे तरीके से आज भी वो मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार के माध्यम से स्वस्थ जीवन जी पा रही हैं। दोस्तों, किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट में सबसे ज्यादा मुख्य विषय ये होता है कि हम किसी भी तरीके से किडनी का नया लॉस होने से बचा लें, तो उसके लिए हमें केमिकल लेस ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। क्योंकि मॉडर्न होम्योपैथी में जो भी दवाइयां हम लोग पेशेंट के हिसाब से हम डिस्क्रिप्शन लेकर हम प्रोवाइड करते हैं, उसमें चूंकि केमिकल नहीं होता, इसलिए ये उनके लिए प्लस पॉइंट के रूप में साबित होता है, ये उनके लिए वरदान के रूप में साबित होता है। और हम लोग अपने पोटेंटाइज मेडिसिन के माध्यम से, जो कि मॉडर्न होम्योपैथी में 50 लाख पावर तक की दवाइयां अवेलेबल है, 4000 से ज्यादा दवाइयां आज के डेट में मॉडर्न होम्योपैथी में अवेलेबल है, उसके माध्यम से जो हम लोग 300 बीमारियों का इलाज, चाहे वो कैंसर हो, किडनी फेल हो, ट्यूमर हो, ब्रेन ट्यूमर हो, आखिरी स्टेज के पेशेंट है, हॉस्पिटलाइज कैटेगरी के पेशेंट है, कोमा में जो जा चुके होते हैं ऐसे पेशेंट हो, या ऐसे पेशेंट जो सर्जरी पे खड़े होते हैं उनके लिए, या फिर जीवन भर चलने वाली बीमारियां, चाहे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, या फिर कह सकते हैं कोई ऑटोइम्यून बीमारियां जिसका दुनिया में कोई इलाज नहीं होता और पेशेंट जीवन भर कहीं ना कहीं स्टेरॉइड या पेन किलर्स की डिपेंडेंसी पे, इम्यूनो सप्रेसेंट पे कहीं ना कहीं निर्भर होता है, ऐसी सभी लाइलाज 300 प्रकार की बीमारियों के लिए मॉडर्न होम्योपैथी में चूंकि 4000 जो नई दवाइयां और 50 लाख पावर तक की दवाइयां हैं, वो आज के डेट में किसी चमत्कार या वरदान से कम नहीं है। उसका मुख्य कारण ये है कि ये फास्ट एक्शन की मेडिसिन होती हैं, पहले दिन से आपके बॉडी के रिस्पांस को ऊपर से भी कंट्रोल करती है और बॉडी मेटाबॉलिज्म को अंदर से भी मेंटेन करती है। इसलिए मॉडर्न होम्योपैथी का जो फायदा है आपको डे वन से मिलता है, फास्ट ट्रीटमेंट मिलता है, पहले दिन से फर्क पड़ता है आपके किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स के लिए, बिना साइड इफेक्ट का ट्रीटमेंट है, इसमें कोई केमिकल नहीं होता, बिना किसी परहेज का ट्रीटमेंट। जैसे कि होम्योपैथी में बताया जाता है कि काफी सारे परहेज का सामना हमें करना पड़ता है, लेकिन मॉडर्न होम्योपैथी एक इस तरीके से बनाया हुआ डिफाइंड चिकित्सा विज्ञान जिसको हमने साबित किया है, बिना किसी परहेज के आप अपनी बीमारी की अवस्था के अनुसार हमारे ट्रीटमेंट का फायदा लीजिए और बिना साइड इफेक्ट के, बिना परहेज के आखिरी स्टेज के पेशेंट्स के लिए भी ऊपर से भी कंट्रोल कीजिए किसी भी प्रॉब्लम को और बॉडी मेटाबॉलिज्म को अंदर से मेंटेन करके पूरी तरीके से स्वस्थ रूप से साबित भी कीजिए। यही वेरिफिकेशन हमने 3000 से ज्यादा पेशेंट्स के रूप में ऑलरेडी यूट्यूब के चैनल्स पे, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे, हमारी जो वेबसाइट्स हैं उस पे प्री और पोस्ट रिपोर्ट के माध्यम से ऑलरेडी सबमिट कर दिया है। और कहीं ना कहीं ये जो सबमिशन है ये एक थ्योरी है जो रिसर्च का विषय है और आगे जाके पूरी उम्मीद है कि दुनिया की 70% से ज्यादा लाइलाज बीमारियों के लिए मॉडर्न होम्योपैथी में पूरी तरीके से हम विकल्प दे पाएंगे और ऐसा हमारा विश्वास भी है, हम इसे साबित भी कर पाएंगे। दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को 4 या 5 बीमारी का सामना करना पड़ रहा है तो लगभग उसे 4 या 5 प्रकार की बीमारियों की दवाइयों को सेवन करने की प्रतिकूलता का सामना करना पड़ता है, उसे 4 या 5 डॉक्टरों के विजिट भी करने पड़ते हैं। तो मॉडर्न होम्योपैथी इस तरीके से डिफाइंड विज्ञान है कि ऑल इन वन, अगर आपकी 4 या 5 बीमारी भी अगर किसी एक पेशेंट को एक साथ पता चलती है या उसका ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ती है, तो इन 300 बीमारियों में से आप अपनी उन बीमारियों को मिलाकर हमसे एक कॉमन किट ले सकते हैं। उसके लिए हम लोग एक कंपाइल्ड करके आपके बॉडी रिस्पांस के हिसाब से एक कंबाइंड किट दे सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको ये फायदा मिलता है कि आपको 4 या 5 डॉक्टरों का जो विजिट होने वाला है उसे आप बचा पाते हैं और इतने सारे डॉक्टर्स की जो अलग अलग दवाइयों का जो साइड इफेक्ट लेने की जो आपके लिए मजबूरी हो जाती है उससे भी हम आपको पूरी तरीके से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, एक कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट, क्योंकि आप काफी सारे ट्रीटमेंट का पैसा बचा पाते हैं और एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपकी अलग अलग बीमारियों के लिए एक साथ ट्रीटमेंट लेकर काफी सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा मैसेज है कि जितना भी समय हम लोग आपकी किडनी को वापस नेचुरल तरीके से वापस मेंटेनेंस के लिए पूरी तरीके से तैयार करने के लिए हम आपसे ले रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें वो समय की रिक्वायरमेंट भी होती है, वो आपके बॉडी रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है कितनी जल्दी हम उसको एक्टिवेट कर सकें और आपको दुनिया के सामने स्वस्थ रूप से खड़ा कर सकें। अगर आपको लगता है कि किसी पेशेंट को हमें दिखाना है या उनके लिए आप हमसे परामर्श चाहते हैं, तो इंदौर में आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, जो कि जंजीरवाला चौराहा न्यू पलासिया में स्थित है, आप आकर हमसे डायरेक्ट फेस टू फेस मिल सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। अगर किसी कारण से आप हमारे पास आने की स्थिति में नहीं है, तो आप अपनी पूरी रिपोर्ट्स और अपनी डिटेल्स को हमें व्हाट्सएप या फिर ईमेल के माध्यम से, हमारे सोशल मीडिया के जो भी संचार माध्यम है उसके माध्यम से प्रेषित कर दीजिए। हम लोग आपके बारे में पूरा आपसे बात करके, आपके रिपोर्ट्स का अध्ययन करके आपके लिए जो बनाई हुई किट है उसको कुरियर के माध्यम से भी आपके घर तक भेज सकेंगे। आप मॉडर्न होम्योपैथी को सेकेंडरी ट्रीटमेंट ना लेते हुए प्राइमरी ट्रीटमेंट के विकल्प के रूप में उपयोग में लीजिए। मेरा पूरा विश्वास है, पूरा दावा है कि आपके लिए ये डे वन से आपके लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट में भी किसी चमत्कार या वरदान से कम साबित नहीं होगा। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, MD होम्योपैथी, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, इंदौर। थैंक यू, नमस्कार।